आज हम बनाना सीखेंगे रबड़ी, जो कि बहुत इजी और आसान तरीके से बन जाता है। अभी हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और हमने गैस चालू करके कढ़ाई रख दिया है। अभी दूध को हमको तेज आंच पे इसको अच्छा पकाना है। अभी हमारा दूध में उबाल आने लगा है, हमको गैस का आंच कम नहीं करना है, तेज आंच पे ही इसको अच्छे से पकाना है। उसको हमें बीच बीच में चलाते जाना है ताकि तलवे पे पकड़े ना, और पूरा अच्छे से चलाते जाओ। अभी हमारा दूध जल के आधा हो गया, अब इसको हम और जलाएंगे दूध को। एकदम हमको गाढ़ा होने तक पकाना है। अभी हमें और गाढ़ा पकाना है। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। हमने 1 लीटर दूध लिया है, हमने चाय के कप से थोड़ा कम, पूरा भर के नहीं, थोड़ा कम हमने इसमें चीनी डाला है। अब चीनी डाल के इसको हम वापस पकाएंगे अच्छे से। रबड़ी थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है बनने के, लेकिन लेकिन बनता बहुत टेस्टी है। इसको बनाने में थोड़ा टाइम जाता है। अभी हम इसमें इलायची 3-4 कुट के डाल देंगे, और इसमें हमको और कुछ नहीं डालना है। आप अपने पसंद अनुसार ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। और इसको साइड साइड से में से मलाई रखते जाएंगे पूरा हमारे, ताकि अच्छे लच्छेदार रबड़ी बने। अब इसको हम थोड़ा और गाढ़ा पकाएंगे। अभी हमारा अच्छा से रबड़ी बन के तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद करके नीचे उतार लेंगे, और ये जो हमने साइड साइड में लगाया है मलाई, पूरा इसको अच्छे से हम खुरेद के निकाल लेंगे और फिर ठंडा होने देंगे। हमने पूरा अच्छे से निकाल लिया है खुरेद के, और अब इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद एक दूसरे बर्तन में हम इसको पलटी कर लेंगे। अभी हमारा रबड़ी बन के तैयार हो गया है। आप इसमें अपने पसंद अनुसार ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, और आपको जो पसंद हो डाल सकते हो। और हमारा रबड़ी अभी अच्छा से बन के तैयार हो गया है, जो कि काफी स्वादिष्ट और टेस्टी बना है। और हमने इसमें कुछ नहीं डाला है, न तो कलरफ्रूट डाला है, न तो केसर डाला। आप केसर भी अपने पसंद अनुसार डाल सकते हो, और बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी बना है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।